स्वागत है आप सबका इंडियन फिल्म हिस्ट्री एंड न्यूज चैनल पर। अजय देवगन की फिल्म भोला का ट्रेलर आ गया है। अजय के विस्फोटक एक्शन से भरी भोला तमिल फिल्म कैथी का हिंदी रीमेक है। ओरिजिनल फिल्म के मुकाबले भोला में कुछ बड़े बदलाव नजर आ रहे हैं। आइए आपको बताते हैं कि दोनों फिल्मों में क्या कुछ अलग नजर आ रहा है। कैथी के हीरो तमिल स्टार कार्थी थे, जिन्हें हिंदी की जनता ने पिछले साल पोन्नियिन सेल्वन 1 में खूब पसंद किया। कैथी की एक खासियत ये भी है कि ये तमिल डायरेक्टर लोकेश कनगराज के लॉकी यूनिवर्स की पहली फिल्म थी, जिसमें दूसरी फिल्म में कमल हसन, फहाद फाजिल, विजय सेतुपति, स्टारर विक्रम हैं। पिछले साल विक्रम का खूब जलवा रहा और हिंदी जनता ने भी इस फिल्म को खूब पसंद किया। विक्रम देखने के बाद जिन लोगों ने कैथी नहीं भी देखी, उन्होंने भी खोज कर ये फिल्म देखी, तो अब भोला के सामने एक नई चुनौती है। इसे अजय देवगन की फिल्म होने के नाते सिर्फ धांसू ही नहीं होना होगा, बल्कि कैथी से डिफरेंट भी होना होगा। भोला के दो टीजर, कुछ बिहाइंड द सीन वीडियो, गाने और ट्रेलर अब आ चुके हैं। आइए बताते हैं कि इन्हें देखने के बाद भोला और कैथी में क्या डिफरेंट नजर आ रहा है। अभी तक भोला से सामने आए सारे कंटेंट को जोड़कर देखें तो शायद अजय और अमाला के किरदार प्यार में पड़ते हैं, शादी करते हैं और उन्हें एक बेटी होती है, मगर तभी अजय के गुंडागर्दी वाले दिनों के प्रेत उनके जीवन में लौट आते हैं और अमाला के किरदार को कुछ ना कुछ हो जाता है। अजय जेल पहुंच जाते हैं और बच्ची अनाथालय। कैथी में कार्ती के किरदार की बेटी का अनाथालय में होना तो दिखा था, लेकिन उसकी लव स्टोरी नहीं थी, लेकिन कैथी का सीक्वल भी बन रहा है और लोकेश के यूनिवर्स में कार्ती का किरदार और कहानियों का भी हिस्सा हो सकता है, तो शायद उसकी लव स्टोरी आगे की फिल्मों में दिखे। कैथी में कॉप का नाम इंस्पेक्टर बिजॉय था और वो पुरुष था, जाने माने साउथ एक्टर नारायण, जिनका ओरिजिनल नाम सुनील कुमार है, इस रोल में नजर आए थे, जबकि भोला में कॉप का रोल तब्बू कर रही हैं। ये एक दिलचस्प बदलाव है। पुलिस वाले की जगह पुलिस वाली के आ जाने से राइटर्स को कहानी में खेलने के लिए एक नया एंगल मिला होगा। रिपोर्ट्स बताती हैं कि 100 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाने वाली कैथी लगभग 25 करोड़ में बनी थी। इसके मुकाबले भोला का बजट बहुत बड़ा नजर आ रहा है। भोला का बजट अच्छा खासा है, ऊपर से फिल्म 3D में शूट हुई है और बतौर डायरेक्टर अजय का पिछला रिकॉर्ड दिखाता है कि वो टेक्निकल पहलू से बिल्कुल समझौता नहीं करते, यानी CGI विजुअल इफेक्ट्स वगैरह में खर्चा काफी हुआ होगा और एक्शन पर तो यकीनन ही हुआ होगा। भोला में कैथी की कहानी को उत्तर भारत के हिंदी भाषी दर्शकों के हिसाब से अडॉप्ट करने की कोशिश तो साफ नजर आ रही है। जैसे अजय देवगन का किरदार बनारस से आता है, इस अडॉप्शन के साथ कहानी का सेटअप, बजट, स्केल बढ़ना और इसमें अजय का हीरो बनना बड़ी स्क्रीन पर कमाल तो कर सकता है। अब आगे क्या होगा ये तो थिएटर्स में ही पता चलेगा। ऐसी ही बॉलीवुड से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इंडियन फिल्म हिस्ट्री को। एंटरटेनमेंट की दुनिया में जॉब्स पाने के लिए फिल्मी जॉब्स ऐप डाउनलोड करें, अवेलेबल ऑन एंड्रॉइड प्ले स्टोर। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए इंडियन फिल्म हिस्ट्री की ओर से सौगात, डाउनलोड कीजिए शॉर्ट मनोरंजन ऐप, अब ये उपलब्ध है एंड्रॉइड और iOS में।